भारती न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ में जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता दीनदयाल जी गोयल। और आज हम इनके साथ बैठ कर चर्चा कर रहे हैं देश की कार्यप्रणाली पर, किस तरीके से न्याय की व्यवस्था है और किस तरीके से बाकी व्यवस्था सुधरने में अभी जो समय लगेगा, और किस तरीके से जो देश है वो तो भारतीय जनता पार्टी का जो है भगवामय होगा। बस अंदर केवल दो व्यवस्थाएं ऐसी अधूरी रह गई हैं जो केवल मोदी जी के द्वारा ही संभव है। इस देश के अंदर पहली व्यवस्था है न्याय व्यवस्था, जिसमें आदमी को एक टाइमलाइन के अंदर, एक वर्ष के अंदर अगर न्याय मिल जाए तो आज रोजाना जो न्याय प्रणाली है उसमें रोजाना केवल तारीख पे तारीख दी जाती है। अगर आदमी को एक निश्चित समय में न्याय मिल जाएगा तो इस देश के अंदर क्राइम और जो बिगड़ी व्यवस्था है अपने आप सुचारू रूप से हो जाएंगी। दूसरी व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की। पुलिस प्रशासन के यहाँ आज की तारीख में जितना व्याप्त भ्रष्टाचार पुलिस प्रशासन में है, जितना इस देश में शायद ही कहीं हो। अगर इस देश के अंदर भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो पहले पुलिस प्रशासन का भ्रष्टाचार समाप्त होगा। इसमें केवल पीड़ित आदमी की ही सुनी जाती है। जो आदमी फरियादी है उसको कहीं दूर दूर तक न्याय नहीं मिलता है। दूसरे देशों का अनुसरण करके किस प्रकार से वहां पर पुलिस प्रशासन चलाया जाता है और किस प्रकार से पुलिस प्रशासन के द्वारा आम नागरिक को राहत मिलती है, उसका पूरा आकलन करके इस देश के अंदर वही पद्धति लागू कर और जनता को जो न्याय से वंचित है और जो पीड़ित है उसको न्याय मिले, इसके लिए मोदी जी आपका आभार। अगर इस तरह की व्यवस्थाएं करते हैं पूरा देश भाजपा में हो जाएगा। हर आदमी केवल इन दो व्यवस्थाओं से पीड़ित है। मेरा आपसे निवेदन है इन व्यवस्थाओं को सुधार। इस समय जितने लोग एक दूसरे से पीड़ित नहीं है उससे ज्यादा पुलिस से पीड़ित है इस देश में, दोनों चीजों से, पुलिस प्रशासन से भी और इस देश की कानून व्यवस्था से भी, दोनों से ही आदमी जनरल इस देश का 80% आदमी इन चीजों से पीड़ित है। और इनका केवल उनकी निगाहें केवल अब इस देश के प्रधानमंत्री की तरफ ही है। अगर इस देश को सुचारू रूप से इन व्यवस्थाओं को जिस प्रकार से कश्मीर को किया है उसी प्रकार से इस देश के अंदर ये व्यवस्थाएं लागू हो जाएं तो मेरा कहना है कि देश को कहीं भी आपको प्रचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा देश भाजपा में हो जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।